अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाह फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाह फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है, छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। उनको अलीगढ़ ताले लगाने के लिए याद आया और योगी जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। योगी जी की सरकार ने बीते 5 सालों में पुराने बकाये सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पिछली सीजन का भी लगभग पूरा भुगतान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निपटाया जा रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने नई चीनी मिलें भी बनाई है और अनेक पुरानी चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार और आधुनिकीकरण भी किया है। गन्ने से इथेनॉल बनाने की बहुत बड़ी क्षमता अब यूपी में तैयार हो रही है। एक प्रकार से यूपी का इथेनॉल देश को दौड़ाएगा, यह ताकत पैदा कर रहा है योगी जी की सरकार। इसलिए तो यूपी के गन्ना किसान भी आज कह रहे हैं कि फर्क साफ है। साथियों, 1 फरवरी को जो बजट आया है उसमें यूपी सहित पूरे देश की खेती में पारंपरिकता और आधुनिकता के संगम का भी एक अद्भुत विजन है। एक तरफ गंगा जी के किनारे प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, किसानों की लागत कम करने वाली खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को ड्रोन और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए मदद का प्रावधान किया जा रहा है। इस बजट में मोटे अनाज से अधिक लाभ का प्रोत्साहन भी है और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर अधिक निवेश की प्रतिबद्धता है। और जब मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध छोटे किसानों से ही आता है। कठिन से कठिन भूमि पर मेहनत करके छोटा किसान जो पैदा करता है वो ज्यादातर मोटे धान पर ही जाना पड़ता है। इसलिए साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे, ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर बैठते थे।
कट की कंपनी बंद हो जाती थी। यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके ही मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे।